नमस्कार, मैं सौम्या फेस्टी फूड रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गुड़ी पड़वा का त्यौहार और उस त्यौहार पर बनने वाले ये ट्रेडिशनल सी थाली, जिसको कि गुड़ी पड़वा स्पेशल थाली भी आप कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और जो महाराष्ट्रियन कुजींस है उसकी एक अलग ही बात है। यकीन मानिए, इस खाने को खाने के बाद आपका पेट तो ज़रूर भरता है लेकिन मन कभी भी नहीं भरता। इतनी टेस्टी होती है, इसकी हर एक डिश की एक अलग ही खूबी है, एक अलग ही स्वाद है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में कभी भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस महाराष्ट्रियन थाली को बनाना। महाराष्ट्रियन खाने में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक मसाला होता है, इसको गोडा मसाला कहते हैं। सबसे पहले हम वो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में ऐड किया एक चम्मच ऑयल, और इस ऑयल में मैं थोड़े से सूखे धनिए को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच सूखा धनिया लिया है, इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तब हम इसको एक अलग बोल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने रख देंगे। अब हम यहाँ पर सेम उसी पैन में ऐड किया मैंने 4 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल, इसको भी अच्छे से भून करके उसी सेम पैन में निकाल देंगे, इसको भी ठंडा कर। अब इसी पैन में लो फ्लेम पर हम 4 बड़े चम्मच सूखा नारियल को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, इसको भी हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब इसी पैन में मैंने ऐड किया 1 बड़े चम्मच ऑयल, इसमें मैंने डाले आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच शाहजीरा, 1 बड़ा चम्मच जीरा, साथ में डाला 1 छोटी चम्मच खसखस के बीज, आधी छोटी चम्मच हींग, और उसके साथ 4 से 5 लाल मिर्च, 2 स्टार फूल, 1 दालचीनी, थोड़ी सी इलायची, थोड़े से काली लौंग और तेज़पत्ता। और इसके साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पत्थर के फूल, और साथ में मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच। इसमें हम डालेंगे हल्दी और सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। इसको भी हम इसी बोल में निकाल लेंगे और निकाल कर ठंडा कर लेंगे। जब सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तब इसको पीस लेंगे। ये मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम तैयारी करते हैं श्रीखंड बनाने की। श्रीखंड एक बहुत ही हेल्दी डिज़र्ट है जिसको दही से बनाया जाता है। तो अच्छा श्रीखंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बढ़िया दही जमाना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन लिया है। इस मिट्टी के बर्तन में जमाने से दही काफ़ी अच्छा जमता है और काफ़ी थिक जमता है। तो यहाँ पर इसमें मैं ऐड करूँगी 1 लीटर दूध। मैंने दूध को अच्छे से पहले से उबाल लिया है और उबालने के बाद उसको ठंडा कर लिया। हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इस दूध को हम इस मिट्टी के बर्तन में ऐड कर देंगे। अब हमें इसमें जामुन देना है। तो जामुन देने से पहले आप चेक कर लें कि दूध में इतनी गर्माहट होनी चाहिए कि जब आप उसमें अपनी फिंगर रखें तो आपकी फिंगर उस गर्माहट को बर्दाश्त कर सके। बस अब हम इसमें लगा देंगे दही का जामुन। तो जब दही आप इसमें डालें तो ध्यान रखें दही हमेशा फ्रेश होना चाहिए, और 4 चम्मच जितना हम यहाँ पर दही ऐड करेंगे। और इसको ऐड करने के बाद आपको एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर इसको कैसरोल में जमाया है और उससे क्या होता है, अब ये काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है, और क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो होता है वो पानी को एब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से हमें मिलता है बहुत ही फ्रेश और बहुत ही थिक दही। तो अब हम इसको ढक करके दही को जमने के लिए छोड़ देते हैं लगभग 5 से 6 घंटे के लिए। ये डिपेंड करता है कि किस वेदर में आप जमा रहे हैं। गर्मियों में काफ़ी जल्दी भी जम जाता है। तो अब हम तैयारी कर लेते हैं वहाँ की बहुत ऑथेंटिक, बहुत पॉपुलर रेसिपी, जिसको पूरन पोली कहा जाता है। तो पूरन पोली बनाने के लिए सबसे पहले हमें पूरन बनाना होगा, यानी अंदर की फिलिंग। तो इसके लिए मैंने 1 कप चना दाल ली थी, इसको मैंने रात भर पानी में सोक कर दिया था। सोक करना बहुत ज़रूरी है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको आगे स्टेप में समझ में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर दाल को अच्छे से भिगो दिया था पानी में धुलने के बाद। अब मैं इसको एक प्रेशर कुकर में ऐड कर दूंगी। जिस पानी में मैंने इसको भिगोया था वो सारा पानी मैं इसमें डाल दूंगी। प्रेशर कुकर में डालने के बाद मैं इसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं यहाँ पर इससे कटाची एमटी बनाऊँगी, जो उसका पानी है वो हम आगे स्टेप में यूज़ करेंगे। इस दाल में हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, लगभग 1/2 छोटी चम्मच जितनी हमें हल्दी ऐड करनी है, और उसके साथ हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना देसी घी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे ढक्कन लगाकर अच्छे से प्रेशर कुक करेंगे। इसे हमें लगभग 4 से 5 विसल आने तक प्रेशर कुक करना है, क्योंकि हमें ये दाल जो है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट कर लेनी है। कहीं पर से भी दाल का जो दाना है वो नहीं खड़ा रहना चाहिए। बस अब हम इसे अच्छे से 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। तब तक हम अपने पोली की तैयारी कर लेते हैं, यानी पूरन पोली में जो अंदर की फिलिंग है उसको पूरन कहा जाता है, और ऊपर की जो लेयर होती है इसको पोली कहते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप आटा। तो 2 कप आटे का जो रेशियो है वो मैंने डिवाइड किया, 1.5 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और उसमें 1/2 कप मैंने मैदा मिक्स किया है।
कुछ लोग इसको पूरा आटे से भी बनाते हैं या फिर पूरा मैदे से भी, तो चॉइस आपकी है, आप जैसे बनाना चाहें वैसे आप इसे बना सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधी एक चौथाई छोटी चम्मच जितना सॉल्ट, क्योंकि जो मिठास है उसमें जो नमक है वो काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर लाता है। उसके साथ हम ऐड करेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच जितनी हल्दी। हल्दी यहाँ पर कलर के लिए भी डाली जाती है और हल्दी को शुभ माना जाता है, क्योंकि ये जो खाना है त्यौहार पे बनता है, तो पूरन पुली में यहाँ पर इसीलिए हल्दी ऐड की जाती है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस आटे के साथ में। अब हमें इसका एक आटा तैयार करना है, और पूरन पोली का जो आटा है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगाया जाता है। जितना ज़्यादा सॉफ्ट आप लगाएंगे उतनी ही बढ़िया और उतनी नरम पूरन पोली तन के तैयार होगी। ध्यान ये रखना है कि अगर आप एक बिगनर हैं, आपने पहले कभी पूरन पोली नहीं बनाई है, तो आपको इसका आटा उस तरीके से लगाना है ताकि आप इसे रोल भी कर सकें। क्योंकि अगर आप आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा देंगे और अगर आपको ये बनाना नहीं आता है, तो आपका जो पूरन है यानी जो फिलिंग है वो आटे से बाहर निकल जाएगी। तो इस स्टेप का आपको ध्यान रखना है कि आटे को आप अगर एक बिगिनर हैं तो आप आटा इस तरीके से लगाइए कि आटा सॉफ्ट रहे और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरीके की रहनी चाहिए जैसे सॉफ्ट हमारा पूरन तैयार होगा। अब हम इसका बिल्कुल नरम आटा तैयार करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। और ये देखिए मैंने इसका नरम सा आटा गूंथ लिया है। अब हमें इसे आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर देना है, तब तक हम अपना पूरन तैयार कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मसल लें, चिकना कर लें, और उसके बाद इसको ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखते हैं। तब तक हम अपना पूरन यानी अंदर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दाल है वो अच्छे से प्रेशर कुक हो चुकी है। जब प्रेशर रिलीज़ हो गया तब मैं इसको ओपन करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए जो दाल है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसका पानी अलग कर लूँगी और जो दाल है इसको हम वापस से इसी प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे, और जो पानी है इसको हम यूज़ करेंगे हमारी कटाची अमटी बनाने के लिए, जो कि वहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है, इस पूरन पोली के साथ सर्व की जाती है। अब इस दाल को हमें अच्छे से मैश करना है, तो मैश करने के लिए आप इस करछी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने दाल पहले से भिगो के रखी होती है ओवरनाइट, तो बहुत आसानी से मैश हो जाती है। अगर आपने इसे कम टाइम के लिए भिगोया है तो आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए इसी कुकर के अंदर इसको मैश कर लें। अब मैंने यहाँ पर मिठास के लिए ऐड किया है आधे कप गुड़ और उसके साथ एक चौथाई कप जितनी चीनी। तो आप चाहें तो इसमें पूरा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पूरा गुड़ डालने से नुकसान ये होता है कि जो हमारा पूरन है वो थोड़ा सा ड्राई होने लगता है अगर आप उसे थोड़ा देर भी रखते हैं। तो आप इसमें चीनी थोड़ी सी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और वापस से हमने इस कुकर को गैस पर प्रेस किया और अब हम इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो हमारा गुड़ है चीनी है वो अपना मॉइस्चर रिलीज़ कर दे और सारा जो आप देख रहे हैं पूरन थोड़ा लिक्विडी हो गया। इसको हमें लगातार पकाना है, इसको हमें इतना पकाना है कि जब ये अच्छे से प्रेशर कुकर का जो नीचे का तला है वो छोड़ने लगेगा और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ हलवे जैसी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इतना थिक हमें इस पूरन को तैयार करना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इस तरीके से इसका जो रोल है वो बनने लगेगा। बस यही सही पहचान है कि हमारा पूरन बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। चलिए हम अपने आटे को भी चेक कर लेते हैं। अब हम आटे पर हल्का सा घी लगा लेते हैं, लगभग एक चम्मच जितना, और फिर से हम इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी पूरन पोली बेलना शुरू करेंगे। यहाँ पर जो पूरन है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी, जितना बड़ा मुझे पूरन पोली बनाना है। तो मैं आपको दो मेथड बता रही हूँ इसको रोल करने के। जो पहला मेथड है इसमें हमें पूरन और पोली दोनों का साइज़ सेम लेना है। इसे हल्का सा इस तरीके से रोल कर लेंगे और हल्का सा बड़ा करने के बाद इसके अंदर स्टफिंग प्लेस करेंगे, यानी पूरन को प्लेस करेंगे और हल्के हाथों से इसे ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और जो एक्स्ट्रा जो हमारी पोली है इसको निकाल देंगे। और इस तरीके से इसको सील करने के बाद इसको चकले पर रख कर इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, ताकि जो अंदर की फिलिंग है वो चारों तरफ कोने में इवनली फैल जाए। उसके बाद हम इसको रोल करना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से किया और हमारा आटा काफ़ी सॉफ्ट है, तो बहुत आसानी से ये जो है स्प्रेड भी हो जाएगा। अब हम बेलन की मदद से इसको अच्छे से बड़ा कर लेंगे। जो पोली यानी पूरन पोली जो होती है वो थोड़ी पतली रखी जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी इसे ना करें। आप देख सकते हैं मैंने इसको काफ़ी बड़ा कर लिया है और इसका जो थिकनेस है वो बिल्कुल बिल्कुल पतला रखा है इसको। इस तरीके से हमारी पूरन पोली बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे सेकना रह गया, तब तक मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। दूसरे मेथड में मैंने यहाँ पर दो इस तरीके से डो के पीसेस लिए हैं और इनको बस से हम थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसके अंदर अपनी स्टफिंग रखेंगे, इसके ऊपर से दूसरा जो हमारा लेयर है इसको लगा देंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेंगे, ताकि जो पूरन है वो थोड़ा सा इवनली फैल जाए। उसके बाद हम इसको रोल करेंगे।
तो ये मेथड जो है इससे आप अगर भरते हैं तो इसमें आप ज़्यादा पूरन भर सकते हैं और पूरन लीक भी नहीं होता है। जो मेथड आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है इस तरीके से बनाना। और इसको वापस से पतला करके हम इसको भी सेक लेंगे। तो चलिए हम इसको सेक लेते हैं। इसको सेकने के लिए मैंने यहाँ पर तवे को गर्म कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर पूरन पोली को प्लेस किया, एक साइड पकने के बाद इसको फ्लिप कर दिया और फ्लिप करने के बाद हल्का सा एक साइड से दूसरी साइड से भी पका लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देशी घी अप्लाई करेंगे और देशी घी डालने के बाद इसको अच्छे से दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। आप देखिए कितने अच्छे से हमारी पूरन पोली फूल गई है और बहुत ही नरम नरम हमारी पूरन पोली बन के बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको पूरन पोली हमेशा परफेक्ट बनेगी। चलिए अब हम आमटी की तैयारी कर लेते हैं जो इसके साथ सर्व की जाती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप खोपरा यानी कि सूखा नारियल। इसको हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे ताकि जो हमारा खोपरा है वो अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाए। ये देखिए जो हमारा खोपरा है वो अच्छे से गोल्डन हो गया है। बस अब हमें इसे मिक्सी में डालकर अच्छे से इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है और इसको हम बाद में आमटी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ऐड किया है ऑयल। यहाँ पर जो ऑयल यूज़ किया जाता है सारी महाराष्ट्रियन कुजीन्स में वो हमेशा मूंगफली का तेल या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जो ऑयल अवेलेबल हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से खड़े मसाले। इसमें मैंने एक तेज़पत्ता, दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च और एक इलायची डाली है। ये सारे मसाले को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि इनका जो एरोमा है वो थोड़ा सा बाहर निकल के आए। और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। सारे मसालों में से जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जितना ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद ज़ीरा जब अच्छे से हल्का सा चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना सरसों का दाना। सरसों डालने के बाद ये सरसों भी जब अच्छे से चटक जाएगी तब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। जी हाँ, गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी हींग। हींग डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा करी पत्ता ऐड करेंगे, फ्रेश करी लीव्स ऐड करें, ये बहुत अच्छा टेस्ट लाती हैं आमटी के अंदर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर लगभग 1/4 छोटी चम्मच जितना और उसके साथ हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च लगभग 1 छोटी चम्मच जितनी। कश्मीरी लाल मिर्च से इसमें बहुत अच्छा ब्राइट कलर आता है और कटाची आमटी जो होती है उसका जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो थोड़ी तीखी और चटपटी होती है। उसके साथ में मीठे पूरन पोली को सर्व किया जाता है तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। इसमें मैं डालूंगी 1 छोटी चम्मच जितना हमारा तैयार किया हुआ गोडा मसाला जो कि इस आमटी की जान है। बस अब हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसाले को इस तेल के साथ में ताकि जो हमारे मसाले हैं उसमें अच्छे से भुन जाएं। और गैस के फ्लेम को अब हमें चालू कर देना है। इसको लगभग हम 1/2 मिनट से भी कम पकाएंगे क्योंकि मसाला ऑलरेडी हमारा जो खड़े मसाले हैं वो ऑलरेडी भुन चुके हैं हमारे ऑयल में, उनका एरोमा सारा इस ऑयल के अंदर है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी तैयार की हुई जो हमने दाल का पानी निकाल के रखा था वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। और एक चीज़ मैं जो आपको बताना भूल गई हूँ वो ये कि जब मैंने दाल को मैश किया था पूरन बनाने के लिए तो वहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितनी दाल को इसी पानी में ऐड कर दिया था मैश करने के बाद, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड करी। आप चाहें तो इसे सिर्फ पानी से भी बना सकते हैं यानी दाल के पानी से, लेकिन थोड़ी सी थिकनेस लाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चना दाल को अलग से निकाल लिया बॉईल करने के बाद और इसको यहाँ पर ऐड किया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच जितनी। और अब हमें इसको अच्छे से पकाना है। पकाने के साथ साथ हम इसमें मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़ भी ऐड करेंगे और गुड़ डालने के बाद जो हमने अभी यहाँ पर नारियल को रोस्ट किया था यानी खोपरा जो हमने पहले रोस्ट किया था फर्स्ट स्टेप में उसको भी हम यहाँ पर अच्छे से फाइन पाउडर करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये जो खोपरा है यानी जो नारियल है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और इसको पूरा डालने के बाद हम इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर गैस को कर देंगे और अब हमें इसे पकाना है। जो आमटी है उसमें जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं मसालों के और इसमें थोड़ी सी खटास, मिठास सारे फ्लेवर्स हैं। इसमें अभी हमने खटास ऐड नहीं की है तो इस खटास के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इमली को अलग से पानी में भिगो करके रखा था और इसका जो पल्प है वो लगभग 1 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, मतलब स्वीटनेस भी है जैगरी की और खटास भी है इमली। बस अब हमें इसे अच्छे से उबाला आने तक अच्छे से बॉईल कर लेना है और ये जो हमारी कटाची आमटी है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इसी तरीके से पतली रखी जाती है और इसको हमारी मीठी मीठी पूरन पोली के साथ सर्व किया जाता है। तो है ना कितनी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये रेसिपी। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आमटी बनके बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ।
अब हमने जो श्रीखंड के लिए दही जमाया था वो अच्छे से जम चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी दिख रहा है, तो इसको हम रख देंगे वापस से फ्रिज में लगभग 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि जो पानी है वो अच्छे से सेट हो जाए और दही हमारा बिल्कुल अच्छे से थिक हो जाए। जब ये दही अच्छे से थिक हो जाएगा तब हम इसको दिखाती हूँ आपको, इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया, एकदम मार्केट जैसे भी बढ़िया दही बन के तैयार हुई है। बस अब हमें इस दही का हंकर तैयार करना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इसको एक बोल में एक छन्नी रखी है और इसके ऊपर मैंने एक कपड़ा लगाया है, एक कॉटन का कपड़ा या फिर म्यूसलिन क्लॉथ किसी का भी यूज़ करें। इसमें हम इस सारे दही को ट्रांसफ़र कर देंगे और अब हमें इस दही को अच्छे से इसका पानी निकालना है, तो उसके लिए आप चारों कोनों को पकड़ कर अच्छे से इस तरीके से हल्का सा निचोड़ दें, ताकि जो इसका एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। जितना आप कर सकते हैं उतना आप हाथ से कर लीजिए, बाकी आप इस छन्नी पर इसको रख देंगे और इसको आपको फ्रिज में स्टोर कर देना है, ताकि जब तक इसका पानी नहीं निकल जाता तब तक हम इसे इसी छन्नी पर रहने देंगे। 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज से निकालने के बाद आप देख सकते हैं हमारा हंकर बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको बिल्कुल स्मूथ करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको हल्का सा इस तरीके से सॉफ्ट कर लिया और उसके बाद हम इसे एक छन्नी में से पास कर लेंगे, ताकि जो हमारा कर्ड है वो अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, उसमें कहीं पर से भी कोई लम्स ना रहे और उसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीम के जैसा हो जाए। तो ये ऑथेंटिक तरीका है श्रीखंड बनाने का, जैसे महाराष्ट्र में तैयार किया जाता है उसी तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पर एकदम बढ़िया सॉफ्ट सा हंकर तैयार कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ी चम्मच दूध में मैंने केसर के कुछ धागे मिक्स कर लिए थे, इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। साथ में डालेंगे इलायची का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच जितना, और उसके साथ हम इसमें डालेंगे कटे हुए बारीक पिस्ता। तो क्योंकि आज जो हम श्रीखंड बना रहे हैं इसको राजभोग श्रीखंड कहा जाता है, श्रीखंड के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तो यहाँ पर जो मैंने बनाया है वो राजभोग श्रीखंड है। साथ में 1/4 कप के करीब पिसी हुई चीनी ऐड की और ये श्रीखंड बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इस ठंडे ठंडे श्रीखंड को आप सर्व कीजिएगा, इस गुड़ी पड़वा के त्यौहार पर आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे मसाला भात। मसाला भात वहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत पसंद की जाती है इस गुड़ी पड़वा पे। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है 1 बड़े प्रेशर कुकर में। इसमें मैं डालूंगी थोड़े से खड़े मसाले, क्योंकि मसाला भात में मसाला का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च और इस सारे मसालों को डालकर यहाँ पर अच्छे से तेल में हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच ज़ीरा और साथ ही में डालेंगे 6 से 7 करी पत्ता। उसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 चॉप किया हुआ अनियन यानी कि प्याज, और प्याज के साथ ये सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। अब मैंने यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियों को अच्छे से क्रश कर लिया था, इसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया। इस सारे मसाले को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर भूना है, ध्यान रखिए फ्लेम को आपको हाई नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच गोडा मसाला, और इस सारी चीज़ों को भी हम इस सबके साथ भून लेंगे। जब ये मसाला हल्का सा भून के इसमें ऑयल आपको देखने लगेगा तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मनपसंद की सब्जियां। तो मैंने यहाँ पर एक आलू, कच्चा आलू डाला है, साथ में मैंने गोभी डाली है और 1 टमाटर को कट करके डाला है। आप इसमें चाहें तो मटर, बीन्स, जो भी सब्जियां खाने पसंद करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चावल, तो मैंने यहाँ पर 1 कप चावल बासमती चावल को अच्छे से भिगो दिया था 15 मिनट पहले धुल करके, और अब हम इस चावल को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद हम इस सारे मसाले के साथ इसको अच्छे से 1 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पर, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच। अब हमें इसमें पानी डालना है जितना हमने चावल लिया है, तो जिस कटोरी से आपने चावल नापा था उसी कटोरी से नाप कर आपको 1.5 कटोरी जितना यहाँ पर पानी डालना है। अब इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे, 1 सीटी आने देंगे हाई फ्लेम पर, उसके बाद गैस के फ्लेम को लो पे स्विच कर देंगे, 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये प्रेशर इसका बिल्कुल रिलीज़ हो गया है, तब मैंने इसके ढक्कन को ओपन किया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही टेम्पटिंग मसाला भात बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है कोथंबीर बड़ी। धनिया को मराठी में कोथंबीर कहा जाता है और उससे बनी वड़ी बहुत टेस्टी बनती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में ऐड किया थोड़ा सा ज़ीरा, 1 छोटी चम्मच जितना सफ़ेद तिल और 1 छोटी चम्मच जितना खड़ा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको हम अच्छे से हल्का सा दरदरा कूट लेंगे। इसको दरदरा कूटने के बाद इसको एक साइड रख लेंगे और इसी तरीके से हम थोड़ा सा यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ले रहे हैं, लगभग 4 से 6
और इसके साथ मैंने लिया है एक हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कूच लेंगे और इसको क्रश करने के बाद इसको हम आगे स्टेप में यूज़ करेंगे, तो इसको एक साइड रख देते हैं। तब तक मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा धनिया। धनिया को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसको अच्छे से पानी से धुल लें और धुलने के बाद हल्का सा कपड़े में पोंछ करके ड्राई कर लें। उसके बाद हम इसको इस तरीके से बारीक चॉप कर लेंगे। यहाँ पर जो धनिया है वो मैंने लगभग एक कप के करीब लिया है। इसको किसी भी कटोरी से नाप लें, उतनी क्वांटिटी में यहाँ पर बेसन ऐड करें, तैयार किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर जो हमने लहसुन डाला था वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया। साथ में मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच जितना चावल का आटा ऐड किया, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और ऊपर से डाला मैंने यहाँ पर धनिया का पाउडर। साथ में मैंने डाला 3 बड़े चम्मच जितना ऑयल और इसको हम अच्छे से इस सारे बेसन के साथ में मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा, बेसन, चावल के आटे से इसमें काफ़ी अच्छा सा क्रिस्पी फ्लेवर आता है, इसीलिए यहाँ पर चावल का आटा डालना बहुत कंपलसरी है। अब इस बेसन के साथ हम इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी धनिया में भी अपना मॉइस्चर कंटेंट होता है जिससे ये आसानी से बाइंड हो जाती है। और ये देखिए, इसको हम इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेंगे और ये सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन हो जाएंगी। ये देखिए, इसका हम एक लॉक तैयार कर लेंगे और लॉक तैयार करने के बाद हमें इसे स्टीम करना है। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छलनी ली है, इस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे और इसके अंदर जो हमारा तैयार किया हुआ लॉक है इसको भी हम अच्छे से ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के चिकना कर लेंगे और उसके बाद इसी छन्नी में रखकर हमें इसे स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में इस तरीके से स्टैंड रखा है, इसमें पानी को अच्छे से उबाल लिया और अब हम इसको प्लेस कर देंगे इसमें और इसको ढक करके हमें पकाना है। तो 5 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर इसको कुक किया, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर दिया। 15 से 20 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे और जब ये हल्का सा ऊपर से टाइट हो जाएगा, यानी थोड़ा सा हार्डनेस इसमें आ जाएगी, आप छू के देखेंगे, तो आप इस टाइम पे गैस के फ्लेम को बंद कर दें और इसको निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, आप इसे हाथ से टच कर सकते हैं आसानी से, तब हम इसे के पीसेस कट करेंगे। और ये देखिए, जो हमारी कोथंबीर वड़ी है बनके बिल्कुल तैयार हो गई। बहुत कम समय में बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको डीप फ्राई करने वाली हूँ और इस वड़ी को हम मैंने यहाँ पर मीडियम हॉट ऑयल में अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है। इसको हम एक एक करके यहाँ पर ऐड करेंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते हुए दोनों साइड से अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। और ये कोथंबीर वड़ी आप चाहें तो ऐसे भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसको एज ए साइड डिश, जैसे मैंने सर्व किया है, इस गुड़ी पड़वा की थाली में भी सर्व किया जा सकता है। तो ये गुड़ी पड़वा स्पेशल थाली बनके बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको सभी को बहुत पसंद आई होगी। गुड़ी पड़वा की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फेस्टिव फूड रेसिपीज़।